नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। हर रावण रचित शिव तांडव आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया है तो सच्चे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं वाला नैरेटिव बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों ने भी तपस्या से परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया। रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था? लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के एक अंश से पता चलता है जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। रंभा का नाम तो आपने सुना होगा, वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्य और कई कलाओं से परंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जारी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वो रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वो इतना सज-धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्षते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को भोग की वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने तो पहले मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था, तो वो कुछ भी कर सकता था। डर से कांप रही रंभा को शायद ये नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है कि जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधु है, तब रावण ने किया क्या? रावण ने कहा कि सारे नाते रिश्ते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून ये रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के झंग और वक्ष स्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहाँ तक कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ सबरी के छूटे फल खाते थे, रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ जबरदस्ती संभोग किया था। राक्षस रज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर कामभोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वो पीड़ित उठी। रावण रंभा का जबरदस्ती करने के बाद वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था, उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका शोषण किया। नलकुबेर महामाना थे, उन्होंने ब्राह्मण सी गद्धर्मशीलता और क्षेत्रीय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक कि वो ऐसा नहीं चाहती थी।